रतिया की अनाज मंडी में व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ भारी रोष है। आपको बता दें कि कल एसडीएम ने अनाज मंडी में निरीक्षण किया, जिस दौरान एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों को कुछ दुकानों पर खामियां मिली। इसको लेकर 3 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए और कुछ व्यापारियों को नोटिस भी दिए गए थे। इसको लेकर आज व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने के लिए मिला। आज सभी व्यापारी लामबंद हुए और मार्केट कमेटी सचिव से मुलाकात की, जिस दौरान व्यापारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए और बताया कि जिस दुकान पर गेहूं नहीं आया उसका भी लाइसेंस निलंबन कर दिया गया। व्यापारियों ने मार्केट सचिव को चेतावनी दी कि अगर कल दोपहर तक निलंबन वापस नहीं लिया गया और व्यापारियों से प्रशासन ने माफी नहीं मांगी तो वो अनाज मंडी बंद करके हड़ताल करेंगे। ये सिर्फ तहस में आकर यहाँ के सेक्रेटरी महोदया जी और साथ में एसडीएम साहब भी थे, सिर्फ सत्ताधारी पार्टी वो पता नहीं क्या उनकी मंशा है, वो परेशान कर रही है, बार बार इनके ऊपर प्रेशर कर रही है और ये भी उनके पक्ष में जाकर उनके तरीके से ही व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। बार बार व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। कल बेवजह 4-5 लाइसेंस इन्होंने निरस्त किए हैं, कोई वजह नहीं है। साफ सफाई बहुत अच्छे से चल रही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हमें तो लगती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के कहने पे ये व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। अभी जो आपकी सचिव से बात हुई है, हाँ जी, तो उसके बाद क्या फैसला क्या लिया आपने? हमने सचिव महोदय को अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का, 24 घंटे में वो दोबारा से निरीक्षण करें, दोबारा से देखें मंडी में हमारी साफ सफाई की कहीं भी कमी नहीं है। और ये वजन कह रहे हैं, वजन व्यापारी कम तोल रहा है, व्यापारी अगर वजन कम तोलता है तो उसका जिम्मेदार व्यापारी होता है जब ये गोडाउन में गेहूँ उतरती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर आए हैं, 24 घंटे के अंदर जो इन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया है ये अपना तुगलकी फरमान वापस ले और पूरे व्यापार मंडल पूरे व्यापारी भाइयों से सॉरी फील करे, तो हम इनके साथ आगे से सहयोग बना के रखेंगे। अगर ये कहीं अपनी बात से पीछे नहीं हटते तो कल हम 12 बजे के बाद मंडी में हड़ताल करेंगे, टोल हमारे बंद करेंगे और इस जो धक्काशाही और जो ये गुंडागर्दी है इसके खिलाफ लामबंद हो जाएंगे। लाइसेंस रद्द करने का नोटिस दिया है इन्होंने, लाइसेंस 6 दिनों के लिए और एक व्यापारी का 3 दिन के लिए लाइसेंस रद्द किया है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया है। ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि सफाई नहीं है, बल्कि सफाई अच्छे से है। इनको कुछ सफाई का मापदंड का ही नहीं पता कि सफाई किसको बोलते हैं। सफाई घर से भी जब किसान लेकर आता है गेहूँ साफ सुथरी होती है और यहाँ भी लेबर जो बड़े अच्छे तरीके से साफ सफाई करती है, लेकिन इनको सफाई के मापदंड का ही अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दे सके भी किस चीज़ को कह रहे हैं भी सफाई नहीं। हमने ये फैसला लिया है कि जो प्रशासन के द्वारा बगैर 100 कोस नोटिस दिए भी आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई की जाए, बगैर पार्टी को सुने जो लाइसेंस रद्द किए गए हैं, जो एक तरफा कार्रवाई है और जो धक्काशाही हो रही है प्रशासन की, उसके खिलाफ हमने इनको नोटिस दिया है कि ये जो लाइसेंस रिवोक किए इनको बहाल किया जाए लाइसेंस को, और सेक्रेटरी साहब और एसडीएम साहब माफ़ी मांगे उन व्यापारियों से जिनका लाइसेंस रिवोक किया। क्या लाइसेंस निलंबन करने से पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है व्यापारी को? एपीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग ये है कि जी लाइसेंस के लिए नोटिस देना जरूरी है, ऐसे कार्रवाई एक तरफा नहीं कर सकते। जुडिशियल नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है जी, आप पार्टी को बगैर सुने कैसे आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? सेक्रेटरी और एसडीएम पर आरोप लगाए हैं, हाँ जी, अगर दबाव नहीं है तो वो जो गैर कानूनी काम है वो क्यों कर रहे हैं जी? नोटिस दो, आप कोर्ट भी नोटिस देती है, पार्टी को सुनती है, आप क्या कहना चाहते हो? एक पार्टी का तो लाइसेंस इस बात पर रद्द कर दिया कि तेरी दुकान के आगे जो गट्टे पड़े थे उनका वजन कम था। उसने आरती ने ये कहा कि मेरा माल तो जी असंगा सेंटर पे तुल रहा है, यहाँ मेरा माल ही नहीं है, बगैर सुने जल्दबाजी में उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जी। अब आगे क्या फैसला आपका? हम तो कल 12 बजे तक वेट करेंगे जी, अगर 12 बजे तक हमें संतुष्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम टोल बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे जी मंडी में। तो वहीं इस बारे में जब मार्केट कमेटी सचिव से बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई उच्च अधिकारियों के आदेश पर हुई है, इसमें किसी भी तरह का किसी का कोई दोष नहीं है। मामला बताया था आपको कि एसडीएम साहब द्वारा विजिट किया गया था, एजेंसी वाले साथ थे, जो उसमें माल में खामियां पाई गई थी तो उसके बारे में एसडीएम साहब के निर्देशानुसार लाइसेंस को सस्पेंड किया गया। तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि एक व्यापारी का तो माल ही नहीं था, उसकी दुकान के आगे पड़ा था, उसको भी आपने? वो दुकान के आगे हमारा जो सहायक सचिव है उसने देखा है वहाँ दुकान के अंदर जाके, बकायदा उसने नोट भी किया है, उसकी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि उसको नोटिस दिया गया, उसका जवाब आ गया है, तो आगामी कार्रवाई हमने लाई जा रही है। अभी कुछ व्यापारी आरोप लगा रहे हैं पिछली बार जो नजराना दिया जाता था, नजराना इस बार वो नजराना बढ़ाने की वजह से ये काम हो रहा है, ये आरोप झूठे हैं, जो भी आरोप लगाए गए झूठे हैं, इसमें हमारा कोई किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता। 3-4 दिन पहले कल भी किया, आज भी किया? हाँ कल भी किया था, परसों भी किया था।
नहीं अभी आपने कहा भी अजीत ने रिश्वत कार्रवाई कर रही हाँ जी, लेकिन वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष के दबाव में ये कार्रवाई कर रही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो एसडीएम साहब रूटीन में मंडी चेक की थी, मंडी चेक करने के दौरान उन्होंने 5 या 6 फर्मों को 6 फर्मों को चेक किया था जिसमें अनियमितता पाई गई, उनके खिलाफ उनके देशानुसार कार्रवाई की गई। 6 फर्मों का माल चेक किया गया था जिसमें से 3 फर्मों की लाइसेंस सस्पेंड किया गया। ये वजन कम पाएंगे, कुछ में वजन कम पाएगा, कुछ में साफ सफाई नहीं। आगे जो सेंटरों में माल जाता है हाँ जी वजन कम हो तो वहाँ कटौती भी, वो एजेंसी का मैटर है, वो हमारा मैटर नहीं है। नहीं आपने जो लाइसेंस नोटिस दिए हैं उसमें किसको निलंबित किया और फाइन भी लगाया क्या? हाँ लाइसेंस निलंबित करके फाइन तो लगेगा ही लगेगा ना जब निलंबित करते हो। आपको बता दें कि दुकानों के लाइसेंस रद्द होने और नोटिस दिए जाने के चलते फिलहाल व्यापारी नाराज हैं, जिसकी शिकायत देते हुए उन्होंने मार्केट सचिव को भी चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि रोषित व्यापारी हड़ताल पर बैठते हैं या फिर प्रशासन द्वारा बातचीत करके मामले को सुलझाया जाएगा। रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।